देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज की दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 17 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल कर बीजेपी ने चली बड़ी सियासी चाल। रेप पार्टी की आड़ में सेक्स रैकेट, बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस भी शामिल। बालू खान सीएम गहलोत बोले बीजेपी राज में हुई थी जांच, जरूरत पड़ी तो फिर होगी तफ्तीश। प्रियंका गांधी बोली अपराध के सामने योगी सरकार सरेंडर, पुलिस ने आंकड़े देकर बताया गलत। स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश, आधिकारिक बैठकों में जलपान के दौरान बिस्किट की जगह परोसे जाए बादाम अखरोट। पूर्वी नौसेना कमान के दौरे पर विशाखापत्तनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एआईसीसी सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी तरुण कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा इस्तीफा। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 और कीर्ति नगर स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा में देरी। निगम अधिकारी मारपीट केस में बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के लिए सहारनपुर में जिला अस्पताल का दौरा किया। सीएम योगी की इस पहल को मनोज तिवारी ने सराहा, कहा दिल्ली में भी हो इसकी शुरुआत। दिल्ली के आनंद विहार में 200 रुपए के लिए युवक की हत्या, दो नाबालिग गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए दहेज नहीं मिलने पर लौटे बारात, दूल्हे सहित 13 पर एफआईआर। विकास हत्याकांड में सीएम खट्टर ने उठाई चौधरी के चरित्र पर उंगली। महिला साथी की हत्या पर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली में चोरी के दौरान वृद्धा की बेरहमी से हत्या, लोगों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के अक्षरधाम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली। तेज रफ्तार टेम्पो और पानी के टैंकर की भिड़ंत में 3 की मौत, 10 घायल। ई सिगरेट खरीदने के लिए बच्चे ने माँ के पर्स से चुराए रुपए, दुकानदार गिरफ्तार। दिल्ली में बेखौफ बदमाश, भाजपा महिला नेता और बेटे को घर में घुसकर मारी गोली। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।